Hello everyone, how are you all? So today we're going to study about the vitamin E, which is very important. So we'll start with the vitamin E, okay? This is your vitamin E, getting? Now, first of all, we'll talk about what? History, yes or no? We'll talk about the history. So in the history, we are talking only 4 points. पहली बात तो vitamin E को क्या बोलते हैं और एक tocopherol बोलते हैं, yes or no? Tocopherol. टोको का मतलब है चाइल्ड बर्थ, ये सुनो. फिरॉल का मतलब है बियरिंग, और ऑल का मतलब तो अपने को पहले से ही मालूम है, ऑल इज नथिंग बट योर अल्कोहल. गेटिंग माय पॉइंट? चाइल्ड बर्थ, बियरिंग, अल्कोहल, फाइन. फिर अब इसके बाद अपन क्या पढ़ रहे हैं? फर्स्ट पॉइंट इज कंप्लीटेड एंड नाउ इट वॉज डिस्कवर्ड बाय, यू राइट इट डाउन, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय, क्योंकि वाइटामिन ई है तो इसका साइंटिस्ट का नाम भी ई से रहेगा, इवान, इवान एंड हिज एसोसिएट्स, 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 ओके. इन द ईयर, कौन से ईयर में? आपको अगेन ईयर को याद रखने के लिए क्या करना पड़ता, आपको ई को उल्टा करना पड़ता. दिस इज योर ई, इसको उल्टा कर देंगे अपन. कौन सा नंबर बन रहा है? 3. तो 19 तो हरुष में आता, नो डाउट. 36, 3 प्लस 3, 36 बल्कि याद रख लो. 2 पॉइंट्स हो गए, टोकोफिरॉल, चाइल्ड बर्थ, बियरिंग, अल्कोहल. इट वॉज डिस्कवर्ड बाय इवान एंड हिज एसोसिएट. और ये वाइटामिन को क्या बोल रहे हैं? एंटी स्टेरिलिटी, दिस इज ऑल्सो नोन एज एंटी स्टेरिलिटी हार्मोन बोलिए बोले अपन. एंटी स्टेरिलिटी वाइटामिन, ठीक है, एंटी स्टेरिलिटी वाइटामिन बोल के बोल रहे हैं. और एक, इट इज अ नेचुरल ऑक्सीडेट, इट इज अ नेचुरल, इट इज अ नेचुरल नेचुरल एंटी ऑक्सीडेंट रिक्वायर्स फॉर नॉर्मल रिप्रोडक्शन, ठीक है, फॉर नॉर्मल रिप्रोडक्शन. ये हो गए अपने 4 पॉइंट कंप्लीटेड ऑफ हिस्ट्री. नाउ विल गो टूवर्ड्स केमिस्ट्री. केमिस्ट्री तो ना थोड़ा है, यू वॉन्ट बिलीव मी, इट्स वेरी इजी. इसका भी बहुत कम पॉइंट्स लिखेंगे अपन, क्योंकि हमने को मान में ये वाइटामिन को टोकोफिरॉल बोलते हैं, यस नो. तो दे आर मेनली एट टाइप्स ऑफ व्हाट? टोकोफिरॉल्स, यस नो. एट टाइप्स ऑफ टोकोफिरॉल्स हैज बीन आइडेंटिफाइड बोल के बोल रहे हैं. टोकोफिरॉल्स, एट टाइप्स ऑफ टोकोफिरॉल्स हैज बीन आइडेंटिफाइड. व्हाट आर दोज? दिया हुआ तो 40 है, लेकिन 8 बोल रहा हूँ. पहले तो है आपका अल्फा, अल्फा, अल्फा का अल्फा, देन बीटा, देन गामा, देन ओमेगा. आगे बात समझ में? और इसमें से सबसे एक्टिव कौन सा है? अल्फा टोकोफेरॉल इज द मोस्ट एक्टिव वन. गेटिंग माय पॉइंट? ये हो गई आपकी केमिस्ट्री कंप्लीटेड. हिस्ट्री हो गई, केमिस्ट्री हो गई. नाउ विल क्विकली मूव टू द फंक्शंस. और फंक्शंस ज्यादा नहीं लिखना है अपने को. कितने लिखना है फंक्शंस? 4 लिखेंगे बस है. पहली बात तो फंक्शंस में, बिकॉज इन क्या करा बोले तो पूरी चीजों हमने को प्रिवेंट करना, मतलब बड़े बड़े बीमारियों से बचा रहा वाइटामिन, जैसे कि प्रिवेंट कैंसर, है ना. और दूसरा क्या बचा रहा? प्रिवेंट सीवीडी. व्हाट इज सीवीडी? कैंसर तो बोल दिया अपन. प्रिवेंट सीवीडी, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, हार्ट के जो प्रॉब्लम्स है उससे बचा रहा हूँ. और प्रिवेंट, और किससे प्रिवेंट कर रहा हूँ अपने को? कम ऑन, प्रिवेंट स्टेरिलिटी, जो असल मेन काम है उसका, स्टेरिलिटी को. एंटी स्टेरिलिटी यहीं बोल रहे अपन, एंटी स्टेरिलिटी बोल के बोल रहे ना, तो इट विल प्रिवेंट फ्रॉम स्टेरिलिटी, सिंपल बात है. नेक्स्ट, और एक प्रोटेक्ट आरबीसी डैमेज, आरबीसी फ्रॉम हेमोलाइसिस. और इन डिस्ट्रक्शन से बचा रहा आरबीसी को हेमोलाइसिस से, ठीक है. फंक्शंस हो गए, अब अपन सोर्सेस पढ़ेंगे, ये सुनो. सोर्सेस बहुत आसानी है, पूरा वाइटामिन सिर्फ ऑयल्स में मिलता अपने को, ठीक है. वो सब ऑयल ले लो. पहले अपन खाते कौन सा? सनफ्लावर ऑयल. व्हाट वी विल यूज? सनफ्लावर, राइट? सनफ्लावर ऑयल, वीट जम ऑयल, पीनट ऑयल, पीनट ऑयल. नेक्स्ट, कॉर्न ऑयल इज ऑल्सो देयर. एंड व्हाट एल्स वी आर लेफ्ट विद? कॉटन सीड ऑयल, यस, कॉटन सीड ऑयल. गेटिंग माई पॉइंट? ये सब ऑयल से सोर्सेस है. देन आफ्टर दैट रिक्वायरमेंट्स पे जाएंगे अपन. ओके, देन वॉट आर रिक्वायरमेंट्स? मीन्स रिक्वायरमेंट, वी नीड अ डेली 100 ग्राम्स ऑफ वाइटामिन ई इन अवर डाइट. सिंपल पॉइंट है, 1 पॉइंट. और दूसरा और एक पॉइंट क्या है? फॉर लैक्टेटिंग एंड प्रेगनेंट लेडीज, फॉर लैक्टेटिंग एंड प्रेगनेंट लेडीज दे रिक्वायर 5 mg ऑफ वाइटामिन ई सप्लीमेंटेड डाइट. इसके अलावा लैक्टेटिंग और प्रेग्नेंट लेडीज में जो है 5 mg वाइटामिन ई सप्लीमेंटेड डाइट बोल के बोल रहे अपन. सप्लीमेंटेड डाइट शुड बी प्रोवाइडेड, वाइटामिन ई सप्लीमेंटेड डाइट शुड बी प्रोवाइडेड. हो गई बात. फंक्शंस हो गए, सोर्सेस हो गए, रिक्वायरमेंट्स हो गए, केमिस्ट्री हो गई, हिस्ट्री हो गई. नाउ विल क्विकली मूव टू व्हाट? डिफिशियंसी. खाली डिफिशियंसी के नाम लिखे, 1-1 लाइन लिख दिए तो बस है. व्हाट आर डिफिशियंसीज? लेट मी मूव लाइक बिट हियर. फाइन, पहला हो गया आपका, बहुत आसान है, इट्स वेरी इजी. रेट्रोटिनल फाइब्रोप्लेशिया, रेट्रोटिनल
फाइब्रोप्लेशिया. दूसरा क्या है, रेट्रोजीनल फाइब्रोप्लेशिया के अलावा देयर इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर. न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, यस. देन हीमोलाइटिक अनिमिया, हीमोलाइटिक अनिमिया. एंड द फोर्थ वन इज अगेन रेट्रोपैथी. फर्स्ट वाला और लास्ट वाला बिल्कुल सेम है. कैसा सेम है, क्योंकि अपने को फॉर द इंटरनल्स यू हैव टू राइट वन लाइन, राइट. सो इसमें लिखो इट कॉज परमानेंट ब्लाइंडनेस, और इसमें भी लिखो इट कॉज परमानेंट ब्लाइंडनेस. आज बात समझ में, इट कॉज परमानेंट ब्लाइंडनेस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड परमानेंट ब्लाइंडनेस रेट्रोपैथी में. और इट ऑल्सो लीड टू प्रीमेच्योर इन्फेंट्स. इसमें प्रीमेच्योर इन्फेंट्स, इसमें प्रीमेच्योर इन्फेंट, दो दो पॉइंट्स बहुत हो गया. न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, न्यूरॉन्स मतलब न्यूरॉन्स का कोऑर्डिनेशन चल रहा, देयर इज अ लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन या इनकोऑर्डिनेशन, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन और इनकोऑर्डिनेशन. हीमोलाइटिक एनीमिया का क्या मतलब है, एनीमिया मीन्स डिक्रीज इन द आरबीसी, राइट. हीमोलाइटिक, लाइटिक मतलब ब्रेकडाउन, है ना. तो ब्रेकडाउन किसका हो रहा, आरबीसी का हो रहा. देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी, डैमेजिंग ऑफ आरबीसी बोल के लिख दो यहाँ पे, डैमेजिंग ऑफ आरबीसी, आरबीसी. ठीक है, थैंक यू सो मच.